श्रीवास्तव आप देख रहे हैं भारत समाचार को करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है जहां विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। 42,000 करोड़ से अधिक का बजट आज पेश होगा। बजट के जरिए विकास को धार देगी योगी सरकार। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। आज विधानसभा सत्र के दौरान भारी हंगामे के आसार। यूपी विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। अब खरीदा है इस बजट में किस वर्ग को विशेष तौर पर रख रहे हैं? इस बजट में किस खास तौर पर किन किन वर्गों को विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं? सभी वर्गों का, हम तो सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास। विपक्ष को ये सोच लेना चाहिए कि उन्हें 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला, जनता ने उन्हें क्या जवाब दिया। योगी जी को 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला, क्या हुआ? अगर जनता संतुष्ट नहीं थी, माननीय योगी जी से ओवर ब्लेमिंग मेजोरिटी से जनता संतुष्ट है आज, और प्रदेश का बच्चा ये चाहता है कि योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री बने रहें। क्यों? क्योंकि उन्होंने लैंड ऑर्डर मेंटेन किया, विकास का पहिया तेजी से घुमाया। यही जनता को चाहिए, और क्या चाहिए जनता को? सर, बजट को लेकर के जनता को के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए, जनता के लिए समर्पित बजट आ रहा है, अनुपूरक बजट है, जनता के विकास के लिए बजट है, जनता की जनता के जनता में जनता को जो योजनाएं सरकार देती है उसके लिए समर्पित बजट है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक सबसे बड़ा अनुपूरक बजट आने जा रहा है, जो जनता के जनकल्याण के लिए लगने जा रहा है। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है नई नियमावली के बाद भी, आरोप लगा रहा है कि बजट पिछला ही खर्च नहीं कर पाए आप लोग। देखिए, विपक्ष तो लगातार नकारात्मक की ओर बढ़ रहा है। उसे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की कोई चिंता नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी मुहर उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश था, जो 2022 में जनता ने हमें दोबारा दिया था, और हम दोबारा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आए थे। हमें और किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कैमरापर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। मान्य सदस्य, 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट आज सरकार पेश करेगी, जहां 42,000 करोड़ से अधिक का बजट आज पेश होगा। बजट के जरिए विकास की धार देगी योगी सरकार। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरने की अपनी पूरी रणनीति बनाई हुई है, जहां तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने का प्रयास करेगी। क्योंकि देखा जाए 2024 का चुनाव नजदीक है, और ऐसे में सदन में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। 24 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेगी। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, और आज 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, वहीं सरकार 2023 और 24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अनुपूरक बजट लाया जा रहा है, और पूरे एजेंडे के साथ ये बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे बात करें युवाओं को रिझाने की, तो युवाओं को टैबलेट 15 लाख टैबलेट दिए जाने की व्यवस्था को लेकर के बजट का प्रावधान किया जाएगा। तो एक्सप्रेसवे, चाहे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे व्यवस्था की जाएगी, उसके बजट की व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक पार्क जो गंगा एक्सप्रेसवे है, उसके 30 किलोमीटर में दोनों किनारों पर औद्योगिक पार्क कैसे लगाया जाए, उसको लेकर के भी बजट की प्रावधान किया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा संकल्प पत्र में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के टाइम पर किया था, तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के पहले किसानों को भी रिझाने का प्रयास होगा। गन्ना भुगतान को लेकर के भी अलग से पैकेज दिए जाने की व्यवस्था है। तो आज कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं लोक लुभावन बजट देखने को मिलेगा। तकरीबन 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सीधे तौर पर बजट पहुंचेंगे, और वहां पर वो बजट पेश करेंगे। तो ये एक बड़ा बजट होगा, और इस बजट के जरिए कहीं ना कहीं लोकसभा को साधने का प्रयास बीजेपी का होगा। संजय, बजट के जरिए विकास को धार देगी सरकार, तो वहीं विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सदन में घेरने के लिए।
बिल्कुल, विपक्ष ने कल से ही तैयारी कर ली थी, हालांकि कल पहला दिन था बजट का तो कंडोलेंस था, क्योंकि आशुतोष टंडन जो बीजेपी से विधायक है लखनऊ के रहे हैं उनका देहांत हो गया था तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन जो विपक्ष ने कल ही ऐलान कर दिया था और भारत समाचार पे खुद नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जन मुद्दों को लेकर के वो पीछे नहीं हटेंगे, भले ही विधानसभा में नई नियमावली लाई गई हो, नई नियमावली के तहत बैलेट पोस्टर और किसी प्रकार का पंपलेट होल्डिंग्स ले जाना मना होगा, मोबाइल भी सदन के अंदर नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जनहित के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, 69,000 भर्ती आरक्षण के घोटाले की बात कर ले, या फिर सिंचाई की बात कर ले, गन्ना भुगतान के मुद्दे को बात कर ले, कानून व्यवस्था का मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर तमाम मुद्दों को उठाती नजर आएगी। धन्यवाद संजय हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर जौनपुर से है जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी।